सो गाइज, आज जिस फ्रूट के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको वो है बनाना, और बनाना को उर्दू में हम केला कहते हैं। ये हर मौसम में इजीली अवेलेबल होता है और हम इसको हर मौसम में खा सकते हैं। सो अब हम इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ बनाना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। बनाना में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सेकंड बेनिफिट इज़ मैंगनीज इन बनाना आर गुड फॉर योर स्किन। बनाना में एक ऐसा मिनरल होता है जिसको हम मैंगनीज कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत एसेंशियल होता है, और ये बनाना में बहुत सारा पाया जाता है। सो द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ बूस्ट योर ब्रेन। ये हमारा ब्रेन जो होता है उसको बहुत बूस्ट करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज पोटेशियम इन बनाना इज़ गुड फॉर हार्ट। बनाना में पोटेशियम भी एक मिनरल ही होता है जिसको हम जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, और ये मिनरल बनाना में बहुत सी क्वान्टिटी में होता है। सो गाइस, ये तो थे कुछ वो हेल्थ बेनिफिट्स जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छे हैं। सो अब हम आपसे उन बेनिफिट्स के बनाना के कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी शेयर करेंगे जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कि बनाना हमारी स्किन के लिए किस तरह बेनिफिट है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि हमारी स्किन को चाहिए होते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट इज़ फर्स्ट है पोटेशियम का, कि इसमें जो है वो पोटेशियम इस इतनी क्वांटिटी में पाया जाता है कि ये हमारी स्किन को बहुत डिहाइड्रेट रखता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। नेक्स्ट जो है वो इसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी स्किन के फ्री रेडिकल्स जो है वो दूर रखता है, हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि इसमें बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है जो कि हमारे फेस पर जो एक्नीज और स्कार्स हो जाते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। सो गाइस, अब देखते हैं कि बनानास हमें डेली रूटीन में कितने बनानास लेने चाहिए कि हमारी जो बॉडी की नेसेसरी है, नीड है, वो पूरी हो सके। अगर मिडिल साइज़ का है तो अगर मिडिल साइज़ का बनाना है तो हम 2 ले सकते हैं इन आवर ब्रेकफास्ट, और अगर एक लॉन्ग है थोड़ा 8 to 9 inches तो वो एक ही काफ़ी है। हम इसको एक दिन में लें, और बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको रोज़ अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें ताकि इसमें जो भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो हम अवेल कर सकें। ये थे कुछ बनाना के बेनिफिट्स और इसको किस तरह से हम दिन में ले सकते हैं ताकि हमारी जो बॉडी नीड है वो पूरी हो सके। अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ बनाना के मास्क जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होता है बनाना। ये इसे हम खाएं तब तो हमें बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन इसका जो पील होता है छिलका वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो बनाना का पील है उसको आप ले लें, हाफ ले लें। अगर आपके फेस पर एक्नीज हैं, पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बनाना का पील ले लें, छिलका ले लें, और उसको आप अच्छी तरह से अंदर वाली साइड से अपने फेस पर रब करें। जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर ज़्यादा पिंपल्स और स्कार्स वगैरह हैं वहाँ पर इसको रब करें, और तब तक करते रहें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जो बनाने के अंदर वाली स्किन है ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको आप रब करते रहें। उसके बाद ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes रब करें, और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें, और इसको ऑलमोस्ट आप दिन में 2 to 3 times करें तो आपका फेस, आपके जो भी पिंपल्स और एक्नीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड इज़ कि आप बनाना का पील ले लें और साथ 1 tablespoon ऑफ हनी ले लें। बनाना का पील मैश कर लें अच्छे से और हनी में मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर एज अ मास्क अप्लाई कर लें, एंड इसको अप्लाई करें ऑलमोस्ट 15 minutes तक, और 15 minutes के बाद इसको कूल वाटर से अपना फेस वॉश कर लें तो इसके रिजल्ट्स भी आपके फेस पर बहुत अच्छे होंगे।
नेक्स्ट है कि आप थोड़ा सा लेमन जूस लें और बनाना लें। पहले आपने बनाना का छिलका लिया था, अब आप ऑलमोस्ट हाफ बनाना ले लें और पील नहीं लेना, पील रिमूव करके बनाना लेना है, ठीक है। हाफ बनाना ले लें, साथ अब थोड़ा सा लेमन जूस ले लें और बनाना को मैश कर लें अच्छे से। इनको दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें और अच्छे से अपने फेस पर एज मास्क अप्लाई कर लें और इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप कूल वाटर से अपना फेस वॉश कर लें, तो ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन पर जो भी एक्नीज हैं, पिंपल्स हैं या आपकी स्किन पर कोई भी इशू है स्किन से रिलेटेड, तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड बहुत शाइनी और बहुत ग्लो करेगी। तो गाइज़ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। हमने आपको बनाना की हेल्थ बेनिफिट्स भी शेयर किए, स्किन के हेल्थ बेनिफिट्स भी और कुछ मास्क भी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी। सो अगर आपके भी कोई आप भी किसी फ्रूट के बारे में या वेजिटेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।